नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं आपको एक ज्ञान की बात बताने आया हूं। हालांकि ज्ञान में हम तो अपने पास कहां है, लेकिन बातें तो कर ही सकते हैं। बातें करने में क्या हर्ज है, जब आप जैसे प्रिय दर्शक हमारे सामने हो तो बातें करने का तो मजा ही अलग है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कुछ लोग इस धरती पर ऐसे, आप तो होंगे संपन्न होंगे, बढ़िया है, भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संपन्न नहीं होते। उनके जीवन में जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। गहने नहीं होते घर में, घर में घर नहीं होता, बहुत सारी तकलीफें होती है, पैसा नहीं होता। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके जीवन में पैसा भी होगा, धन भी होगा, घर भी होगा, खाने पीने के लिए भी बढ़िया होगा, सब कुछ लग्जरी जीवन होगा, एकदम फर्स्ट क्लास लग्जरी जीवन। क्या है, आज मैं आपको ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे आप 10 रुपया खर्चोगे तो 1000 रुपया पास में बन जाएगा। 10 का नोट खर्चोगे 100 का खर्चोगे 1000, 1000 का खर्चोगे लाख। आप खर्चते जाओ, पैसा आता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप किसी से 10 रुपया लेते हो, 10 रुपया लेकर के आप अपने पास रखते हो तो भगवान की कृपा से 10 रुपया 100 रुपया बन जाएगा। देखते देखते 100 रुपया बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इतनी बढ़िया तकनीक बता रहा हूं जितनी आपने सोची नहीं होगी। कोई भी चीज आपको चाहिए, गहना चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको फट से मिल जाएगी। मकान चाहिए, मकान बन जाएगा। ये कोई जादू नहीं है जो मैंने डिम 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 किया और वो जादू कबूतर निकाल देता ना ऐसे, झोला में कुछ नहीं है, पहले खाली करके दिखाता हूँ, ये देखो कबूतर निकल गया। ये नहीं है कि मैंने ये देखो कार निकल गई, ये देखो गहना निकल गया, नहीं। सारा का सारा आपका ही काम है, आपकी क्रियाविधि है, आपका ही मनोविज्ञान है, आपकी ऊर्जा शक्ति है, आपकी ऑरा शक्ति है। आपका ऑरा जितना ज्यादा मजबूत, उतनी ज्यादा प्रकृति आपकी तरफ खींचती चली जाएगी। जितना आपका ऑरा मजबूत होगा उतनी प्रकृति आपकी तरफ आकर्षित होगी। क्या आज मैं तरीका बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, थोड़ी सी थोड़ा सा समझ लेंगे, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा जीवन का। आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे होगा ये मैं बता देता हूं, कैसे खर्चोगे ये वापस कैसे आएगा ये बता देता हूं। आपको जीवन में कई बार लोगों को पैसा देना पड़ता है। मोदी जी वाला वो सिस्टम तो ठीक है, वो क्या वो फोन पे गूगल पे करते हैं ना, गूगल पे फोन पे, एक वो पेटीएम होता है उसमें, वो तो मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, उसमें भी एक कलाकारी है, वो भी अगर साथ में जोड़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मोबाइल से अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो ये तो सामान्य बात है कि आप मोबाइल को अपनी तरफ रखेंगे और पैसे ऐसा बटन दबा करके पैसा ऐसे जाएगा, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको किसी को रुपये देने हैं अपनी जेब से निकाल करके, तो कैसे देंगे रुपये को, कभी एक तो खुला मत देना। एक रुपये को जब आप किसी को दो तब क्या करना, रुपये को ऐसे फोल्ड कर लेना, ऐसे फोल्ड करके एक बार जो खुला होता है जिसमें दोनों नोट जुड़ गए या चिपक गए, खुला होता है, दोनों नोट आराम से देख सकते हो, एक में ऐसे बंद हो गया, मतलब फोल्ड करोगे तो एक साइड में बंद हो जाएगा ना, तो आप जिस साइड से खुला होता है उस साइड से नोट को पकड़ो अपनी तरफ, और जिस साइड से बंद है उस साइड को रखो, उधर जिधर नोट आपको देना है जिसको, तो आप इस तरह से नोट दो। अब नोट देते समय आपके मन से, आपकी आत्मा से एक अंक निकलना चाहिए। कौन सा अंक? मन ही मन इस अंक को अंगीकार कर लो। आज जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों को आप अगर अंगीकार कर लेते, अंगीकार का अर्थ होता है कि रात नींद में भी आपको किसी को पैसा देना पड़े, लेना पड़े, तो आप वही क्रिया करेंगे जो मैं बता रहा हूं। इसे कहते हैं अंगीकार करना। नींद में दोगे तो भी आप वैसे ही पैसा दोगे, और जागृत अवस्था में दोगे तो भी वैसा ही दोगे, तो इसे कहते हैं अंगीकार करना। ये विद्या जो आज मैं बता रहा हूं अंगीकार करने से ही काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बता दिया कल से काम शुरू, ना ही, आज बता दिया आप अंगीकार करो, आपकी आपके मन से तुरंत वही शब्द निकले, 10 बार देना पड़े 10 बार, 20 बार देना पड़े 20 बार, 50 बार देना पड़े 50 बार, आपके मन से आपके अंदर वही शब्द गूंजना चाहिए, वही अक्षर गूंजना चाहिए, वही अंक गूंजना चाहिए, तब ये विद्या आगे जाकर के काम आती है। ये एक एंजल नंबर है जिसको आप नोट को किसी को देते हो और आप अंदर ही अंदर कहते हो 708 708 708 708 708 708 708,
और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सामने वाले को नोट देते हो। ऐसे नोट दिया तो आप आश्चर्य करोगे कि कुछ महीनों में, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि इसको खून में मिल जानी चाहिए ये बात आपके, जब खून में मिल जाएगी तो कुछ महीने तो लगेंगे, कुछ महीना लगेगा। उसके बाद में जब आप रुपया दोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि दिया तो 50 लेकिन पता नहीं कहां से 5,000 आ रहा है, दिया तो 50 500 आ रहा है, उसका मल्टीपल होकर के रुपया आपके पास आएगा। अब ये तो होगी देने की बात, अच्छा देने की बात पूरी नहीं हुई, आपको अगर रुपया किसी थैले में डाल करके देना है, क्योंकि कभी कभी बड़े काम भी होते हैं, अपने को नहीं होते भगवान की कृपा, लेकिन जिनके होते हैं उनके तो होते ही होंगे, तो बड़े भी काम होते हैं तो उनको बैग भर के लाना पड़ता है। एक बार मैं कहीं था तो वो एक बोरी होती है ना, बोरी जिसमें आटा लाते हैं, उसमें नोट भर करके लाए थे वो लोग, तो लाते हैं तो इसमें क्या है कि यदि आपको बोरी भर के भी किसी को रुपया देना पड़े तो बोरी जिधर से खुली है और आपने बांध दिया वो भाग आपकी तरफ रहना चाहिए, बंधा हुआ भाग उनकी तरफ रहना चाहिए जिसे आप दे रहे हो। सूटकेस में डाल के दे रहे हो तो सूटकेस का जो ओपन होने वाला खुला वाला भाग होता है वो आपकी तरफ रहना चाहिए, बंद वाला भाग उनकी तरफ रहना चाहिए। बंद वाला भाग हमेशा उनकी तरफ रहना चाहिए, जिस तरफ से नोट बंद हो गया वो उसके तरफ, सूटकेस बंद हो गया वो उनकी तरफ, बोरी बंद हो गई उनकी तरफ, थैला बंद हो गया उनकी तरफ, खुला है वो आपकी तरफ, तो ये विद्या आपके गजब काम आती है। और मुस्कुराते हुए नोट हमेशा देना चाहिए। ये तो बात हुई देने की, अब मैं बात बताता हूं लेने की। अगर आपको, आपने 10 रुपये का सामान लिया, 100 का नोट दिया, वापस उसने 90 रुपये वापस दिए, 1 50 का दिया, 1 20 का दिया, 1 20 का दिया, 90 रुपये हो गए, 1 50 का दिया, 1 20 का दिया, 2 10 10 का दिए तो भी 90 रुपये हो गए, 90 रुपये वो आपको वापस दे रहा है। तो वो वापस दे रहा है तो ऐसे ही नहीं लिया और जेब में डाल लिया, नहीं, थोड़ा सा रुको, एक पल के लिए रुको, नोट को पकड़ो, रुपये को पकड़ो, चिल्लर देता है उसको पकड़ो, जो भी सामान देता है उसको पकड़ो, और पकड़ने के साथ ही आपको दो चीजें उनमें से एक काम कर लेना जरूरी है। या तो आपका कोई इष्ट हो, इष्ट का मतलब सिर्फ एक, 33 करोड़ देवी देवता हो या 33 कोटि देवी देवता मुझे नहीं पता, उनमें से एक ही कोई ऐसा होता है जो एकदम दिल के सिंहासन पर बैठा होता है, वो कौन है? हनुमान जी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, जगदम्बा, दुर्गा, सीता माता, काली माता, कोई भी हो, एक ही ऐसा देवता जो आपके दिल में, हृदय में, सिंहासन पर विराजमान है, और आपको कभी रात गहरी नींद में भी याद करना पड़े, किसी को एकदम नींद में भूत प्रेत दिखाई दे जाए और आप याद करो, तो वही नाम जो आपको आता है वही देवता, आप कहीं गिर जाओ और हे भगवान, भगवान के साथ ही कौन सा भगवान आपको याद आ रहा है, वही देवता आपका इष्ट देव। या तो आपका जो इष्ट देव है, तुरंत किसी से चिल्लर लेते समय आप अपने इष्ट देव को याद करो, जैसे काली है तो जय काली माँ, जय काली माँ, राम जी है तो जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी तो जय बाबा की, जय बाबा की, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, शिव जी है तो जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की, जय शंकर, जय पशुपतिनाथ, जय आशुतोष, जय नीलकंठ, जय दया निदान, कुछ भी कहो, जो भी आपको नाम आता है अपने इष्ट के, जिस रूप में आप इष्ट को पूजते हो वो नाम आता है, वो नाम आप रुपया लेते समय ले लो। बस आपने रुपया लेते समय वो नाम लिया तो आपके पास आने वाली जो मनी है वो कई गुना मल्टीपल हो जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी, डेवलपमेंट कर जाएगी। आपकी तिजोरी में परमात्मा की कृपा से एक दिन धन रखने के लिए स्थान नहीं बचेगा, तिजोरी दूसरी लगानी पड़ेगी। बैंक, आपको यहां बैंक है ना, बैंक तो है लेकिन इनकम टैक्स भी है, ध्यान रखना। तो मैं तिजोरी की बात कर रहा हूं कि तिजोरी आपको दूसरे लानी पड़ सकती है भगवान की कृपा से। ये बात हुई ऐसी, रुपया लेते और देते समय आप यदि छोटी सी बात का ख्याल रखते हो तो आपके पास आने वाला और जाने वाला दोनों रुपया मल्टीपल होकर के आता है, बढ़ करके आता है, आपको इस रुपये का बहुत लाभ रहता है, कई गुना रुपया बढ़ जाता है और धन के आगमन आपके जीवन में खुल जाते हैं, धन के रास्ते खुल जाते हैं, इनकम बहुत बढ़िया होने लगती है। और इष्ट नहीं हो तो एक और उपाय, अगर इष्ट नहीं हो तो आपको क्या करना है, जब आप किसी से पैसा ले रहे हो, पैसा ले रहे हो वापस, जैसे अब मैंने बताया कि 100 का नोट दिया है, 90 वापस दे रहे हैं, तो आपने पैसा तो वापस ले लिया, लेकिन अब आप करोगे क्या, पैसा वापस लेते समय आप एक अक्षर बोलो, एक बीज मंत्र है जिसका आप उच्चारण करो और ये अंगीकार कर लो, जब भी आप पैसा वापस लो ये बीज मंत्र आपको बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, हमेशा याद रखें, नींद में सपने में भी पैसा वापस लो तो ये बीज मंत्र आपको बोलना है, या तो इष्ट का
नाम लेना, आपको मैंने बता दिया आपको, इसके जयकारे के साथ आपको पैसा वापस लेना, या श्रीम जो बीज मंत्र है, श्रीम 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 लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, श्रीम श्रीम, उसको बीज मंत्र को जपते जपते, बीज मंत्र को याद करते करते आप उससे पैसा वापस लो। बस ये दो तरीके हैं, समझ गए बात को, दो तरीकों से आप पैसा वापस लो, ठीक है। अब यदि आपके घर में आपको चाहिए कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो तो हो, तो एक छोटी सी बात, पैसा नहीं है, पैसा हो तो एक छोटी सी बात, गहने नहीं है, गहने हो तो हो तो एक छोटी सी बात। क्या है कि यदि आपके घर में पैसा नहीं है तो आप पैसे जो वितरित करते हैं ऐसे संस्था में, जब भी कहाँ कहीं जाओ या उसके आसपास से गुजरो, संस्था मतलब जैसे कोई बैंक है, कोई मिनी बैंक है, कोई आढ़तिया की दुकान है जो रुपया बांटता रहता है, ऐसे किसी के भी आसपास से गुजरो जहाँ बहुत बड़ा धन होता है, अच्छा धन होता है, और वो देते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेन देन धन का ही चलता रहता है, ऐसे स्थान से आप गुजरो, तो तुरंत गुजरते समय आपके चेहरे पर एक मार देने वाली स्माइल आनी चाहिए, एक मदहोश कर देने वाली स्माइल आनी चाहिए। तुरंत निकलो तो आप तुरंत मुस्कुरा दो और मुस्कुरा के कहो कि आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, ऐसा 3 बार बोल दो, आ जाओ साथ चलते। और ऐसे ही नहीं, पंडित जी ने बताया बस आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते, ऐसे नहीं। आपको ये जो आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, ये जो बोलना है ना, ये कैसे बोलना, एकदम हृदय से, और किसी प्रेमिका को बुला रहे हो आप वैसे बोलना है, जैसे किसी एकदम देवजान को बुला रहे हो, अपने अंगों में बसने वाले, अपने आत्मा में निवास करने वाले किसी प्रेयसी को बुला रहे हो आप, जैसे कोई विरह में युक्त प्रेमी अपने प्रेमिका को याद करता है, वैसे उन शब्दों में, उस प्रकार के शब्द आपको भीतर प्रकट करने हैं। डुप्लीकेसी नहीं करनी, मेरी कॉपी नहीं करनी है कि महाराज ने बताया आपने शुरू कर दिया काम खत्म, नहीं नहीं कॉपी नहीं करनी, आपको ये शब्द ऐसे बोलने हैं जैसे कोई किसी प्रेमिका को बुला रहा है, आप समझ के बात को, तो एकदम मुस्कुरा के स्माइल देके आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, 3 बार बोलो और निकल लो अपना काम को। जब भी आना पड़े जाना पड़े 1 सेकंड के लिए वहां रुको और 1 सेकंड में 3 शब्द बोलो और निकल लो, बोलो और निकल लो। आपके घर में गहने नहीं बन रहे हैं, आपकी कोई पत्नी हो या माता जी हो या बहन हो, शादी हो, गहने हो, लाने हो, आपको नहीं बन रहे हैं, तो आप गहनों की दुकान के पास, सुनार की दुकान के पास, या वो बड़े बड़े वो होते हैं ना कांच के लगा करके शोरूम बनाते हैं, उनमें गहने लटकाए हुए रखते हैं अंदर तक, तो आप एक गहने पर नजर मारो, प्यार से स्माइल दो और वही 3 शब्द 1 सेकंड में आ जाओ चलते हैं, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ चलते हैं, मेरे साथ आ जाओ चलते हैं, इस तरह से आप उसे बुलाओ जैसे प्रेमिका को बुलाते हो। गाड़ी नहीं है, आप आश्चर्य करोगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप आश्चर्य करोगे कि एक दिन जो चीजें मैं बता रहा हूं आपके पास खड़ी हो जाएगी। गाड़ी आपके पास नहीं है और आप गाड़ियों के शोरूम के पास से जा रहे हो, तो गाड़ी की तरफ देख के स्माइल दो, स्माइल देके वही शब्द बोलो, आ जाओ मेरे साथ चलो चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, आ जाओ साथ चलते हैं, ऐसा बोलो जब भी काम पड़े ऐसा बोलो, तो कुछ दिनों में आपके पास गाड़ियां भी आनी शुरू हो जाएगी। आपके मकान नहीं बन रहा है, सीधी सी बात, जिसका मकान बन रहा है एकदम दिल से उसकी तारीफ करो और परमात्मा को धन्यवाद, इतना काम कर लो आप एकदम। क्या होता है कि किसी का जब मकान, जिसको मकान की आवश्यकता होती है, वो दूसरों का मकान देखता है तो थोड़ी सी जलस उसके अंदर पैदा हो जाती है, थोड़ी सी ईर्ष्या उसके अंदर पैदा हो जाती है, और ईर्ष्या आपका मकान नहीं बनने देती, क्योंकि ईर्ष्या जब आप करते हो मकान बनने से, तो मकान बनने की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपके लिए बाधित हो जाती, फिर आपके पास नहीं आती। आप किसी का भी मकान बन रहा हो, मकान को देख के 1 मिनट के लिए रुको, स्माइल दो, स्माइल देके परमात्मा का धन्यवाद दो कि परमात्मा आपने इनको इतना सुंदर मकान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपने इनको इतना सुंदर बंगला दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपने इसको इतना सुंदर रेजिडेंस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस दिल से, हृदय से आप ये आशीर्वाद, ये शुभकामना आप प्रेषित करो और परमात्मा को धन्यवाद दो। कुछ दिन में आश्चर्य करोगे कि आपके भी मकान की बातें चलने लगी और कुछ दिनों में मकान खड़ा हो गया, कुछ दिनों में खड़ा खड़ाया बना बनाया मकान आपको मिल गया। आश्चर्य करोगे कि ये बात जिंदगी में जब से शामिल हुई है, आपकी जिंदगी एकदम निहाल हो गई, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, बहुत बढ़िया जिंदगी, लग्जरी हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और यदि पहली बार आपका
इस वीडियो पर पधारना हुआ है, इस चैनल पर पधारना हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी वाला बटन है इसको दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।